जैन साथियों, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है बांसुर पी जी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कक्षा है कला वर्ग द्वितीय वर्ष यानी बीए पार्ट सेकंड ईयर, जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है, और उसके अंतर्गत भी जो व्याकरण का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं साथियों। और ये बेहद महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो टॉपिक है काव्य रीति का। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो हम ये जाने, ये जो काव्य रीति है उसमें जो रीति शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, बारी बारी से हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा ये परीक्षा के नज़रिए से, और प्रत्यक्ष रूप से अपने पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है साथियों। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि रीति जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो शब्दकोश के अनुसार रीति शब्द के मार्ग, पंथ, विधि, पद्धति, प्रणाली, शैली इत्यादि अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो ये तो था रीति शब्द का अर्थ, ठीक है साथियों। अब देखिए, रीति के साथ काव्य जुड़ा हुआ है, तो अब हम जानेंगे कि काव्य रीति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए साथियों, किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन के लिए जो शैली काम में ली जाती है उसे क्या कहते हैं, काव्य रीति कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो रीति के तो जो अर्थ हैं वो मार्ग, पंथ, विधि, पद्धति, प्रणाली, शैली। तो हम कह सकते हैं कि काव्य रीति को काव्य मार्ग भी कह सकते हैं, काव्य पंथ भी कह सकते हैं, काव्य विधि भी कह सकते हैं, काव्य पद्धति भी कह सकते हैं, काव्य प्रणाली भी कह सकते हैं और काव्य शैली भी कह सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देखिए कि काव्य रीति होती क्या है। तो देखिए, कोई भी जो कवि होता है जब अपनी काव्य रचना करता है, तो वह काव्य रचना करता है तो उस समय जो है ना, वो जिस भी मार्ग का अनुसरण करता है, जिस भी पद्धति का, जिस भी शैली का यूज उपयोग अपनी काव्य रचना के लिए करता है, वही मुख्यतः काव्य रीति कहलाती है। अब देखिए, काव्य रचना के लिए मुख्यतः शब्द योजना की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शब्द योजना के माध्यम से साथियों वाक्य और जो उपवाक्य, वाक्य जो है उनका निर्माण किया जाता है, और वाक्यों के माध्यम से हम कहें कि काव्य का निर्माण किया जाता है, ठीक है साथियों। तो शब्द योजना जो है ना, उस शब्द योजना में जो हमारे वर्ण हैं, क्योंकि शब्दों का जो निर्माण है वो मुख्यतः वर्णों से होता है। अब देखिए, जो वर्ण है ना, उसमें कोमलकांत वर्ण होते हैं, वह कठोर वर्ण भी होते हैं। तो जब कोमलकांत जो वर्ण हैं उनसे युक्त पद योजना कवि करेगा, या फिर कठोर जो वर्ण हैं उनसे युक्त काव्य रचना करेगा, तो जिस भी शैली का वो प्रयोग करता है वही क्या कहलाती है, काव्य रीति कहलाती है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। सबसे पहले अब आगे जानते हैं रीति की परिभाषा। तो देखिए, आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, यानी रीति का जो प्रवर्तक है वो वामन है। इन्होंने स्वरचित काव्यालंकार सूत्रवर्ती रचना में रीति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि विशिष्ट पद रचना रीति ही विशेषो गुणात्मा, अर्थात कवि लेखक या काव्य लेखन की अपनी विशिष्ट गुण शैली ही काव्य रीति कहलाती है। इसका संबंध गुण से माना जाता है, यानी सीधे तौर पर हम ये कहें कि जो रीति है उसका संबंध गुण से होता है। और साथियों, जो गुण हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, औज गुण और प्रसाद गुण, ठीक है साथियों, जो कि मैं पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, जो आचार्य वामन हैं उनको रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और उन्होंने अपने जो रचना है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, उसमें उन्होंने लिखा है कि विशिष्ट पद रचना, ये माफ़ कीजिएगा, ये पद है, पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा, अर्थात कवि लेखक या काव्य लेखन की अपनी विशिष्ट गुण शैली है वही क्या कहलाती, काव्य रीति कहलाती है, ठीक है साथियों। काव्य की आत्मा रीति, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया, जैसे कि रीतित्मा काव्य, यानी काव्य की आत्मा कौन है, रीति है साथियों। तो आचार्य जो वामन है उन्होंने काव्य रीति को काव्य की आत्मा कहा है। वैसे काव्य की आत्मा जो है वो रस को माना जाता है, लेकिन वामन ने काव्य की आत्मा रीति को कहा है साथियों। तो ये थी आचार्य वामन ने जो काव्य की जो रीति है उसकी परिभाषा दी है।
वामन के अनुसार। अब देखिए बात करते हैं नामकरण की, कि जो रीति है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है, और जो नाम दिया गया वो किस आचार्य के द्वारा दिया गया। तो देखिए अलग अलग आचार्यों के द्वारा काव्य रीति को निम्नानुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया। जैसे हम यहाँ पे कहें कि आचार्य वामन नंबर एक पर उन्होंने रीति को रीति कहा, और यही रीति जो है आज वर्तमान समय में प्रचलित नाम है काव्य रीति। नंबर दो पे बात करते हैं, आचार्य कुंतक ने इसे मार्ग कहा, रीति को मार्ग कहा। और नंबर तीन, आचार्य मम्मट ने इसे व्रति कहा। नंबर चार पे आचार्य आनंदवर्धन ने इसे पद संगठना कहा, क्या कहा? पद संगठना। नंबर पाँच पे आचार्य विश्वनाथ ने भी इसे पद संगठना कहा साथियों। और यदि हम बात करें नंबर छः पर, तो आचार्य राजशेखर ने इसे वचन विन्यास क्रम कहा साथियों। तो ये जो हैं ये हमारे अलग अलग आचार्य हैं जिन्होंने अलग अलग नामों से रीति का नामकरण किया, अलग अलग नामों से रीति को पुकारा। ठीक है साथियों, आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। अब जानते हैं रीति के भेद। तो अलग अलग आचार्यों ने रीति के अलग अलग ही भेद किए। अंत में मैं बताऊंगा सारांश के रूप में कि सर्वमत जो प्रचलित मत है वो कौन सा है, लेकिन पहले अलग अलग जो आचार्य उनके विचार हम जान लेते हैं रीति के भेदों के संबंध में। तो देखिए आचार्य वामन जो है उन्होंने रीति के तीन भेद किए, वैदर्भी, गोडी और पांचाली। आचार्य वामन ने रीति के तीन भेद माने। अब बात करते हैं दो नंबर, आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहकर उसके तीन भेद माने, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। यानी आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग नामकरण से संबोधित किया और मार्ग कहकर ही उन्होंने इसके तीन भेद भी किए, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। ठीक है साथियों, अगला नामकरण देखिए। आगे बात करते हैं आचार्य मम्मट ने रीति को, माफ कीजिएगा ये व्रति है, व्रति। तो आचार्य मम्मट ने इसे रीति कहा और रीति कहकर आचार्य मम्मट ने भी इसके तीन भेद माने, और पहला उपनागरिका व्रति, नंबर दो परुषा व्रति और नंबर तीन सुकोमला व्रति। ठीक है साथियों, नंबर चार बात करें तो सर्वप्रथम आचार्य रुद्रट ने समास के आधार पर लाठी नामक चौथी रीति की क्या की, परिकल्पना की। देखिए अभी तक हमने तीन आचार्यों के बारे में जाना, तो उन्होंने अलग अलग नामों से संबोधित किया लेकिन भेद तीन ही किए। जैसे आचार्य वम्मट ने व्रति कहकर संबोधित किया और उस व्रति के आधार पर इस तीन भेद किए, वामन ने भी तीन ही भेद किए, लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम जो है रुद्रट ने जो है ना एक चौथी जो व्रति है वो भी खोजी और उन्होंने उस चौथी को नाम दिया, ये चौथी है, चौथी जो रीति थी उसको नाम दिया लाठी रीति। ठीक है साथियों, नंबर पाँच, आचार्य राजशेखर एवं आचार्य श्रीपद ने निम्न दो रीतियां, अब देखिए राजशेखर व आचार्य श्रीपद ने दो ही रीतियां स्वीकार की, एक तो मैथिली रीति और एक मागधी रीति। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि आचार्य भोजराज ने भी अवंती नामक एक अन्य काव्य रीति की क्या की है, परिकल्पना प्रस्तुत की है। तो ये थे अलग अलग आचार्य जिन्होंने अलग अलग जो भेद हैं उनका क्या किया है, उल्लेख किया है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए परीक्षा के नज़रिए से जो हमें परीक्षा में लिखना है, तो देखिए सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सभी आचार्यों के द्वारा सर्वमान्य रूप में काव्य रीति के मुख्यतः निम्न तीन भेदी स्वीकार किए जाते हैं, वैदर्भी रीति, गोड़ी रीति और पांचाली रीति। यानी कहने का तात्पर्य जो आचार्य वामन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, उन्हीं के मत को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि साथियों वामन ने ही जो है रीति के मुख्यतः तीन भेद माने, वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली। और आज वर्तमान में सभी आचार्यों ने मुख्यतः जो है इन तीन प्रकारों को क्या किया है, स्वीकार किया है साथियों, वैदर्भी रीति, गोड़ी रीति और पांचाली रीति। तो हमें भी अपने पाठ्यक्रम में इन्हीं तीन रीतियों के ऊपर क्या करना है, चर्चा करनी है साथियों। तो आज हम बस इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो तीन भेद हैं यहाँ तक ही हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से पुनः मुलाकात करूँगा और उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे तीन भेद हैं, जो हमारी रीतियाँ हैं तीन, वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली, वो क्या होती हैं, उनकी परिभाषा, उनके लक्षण और उनके उदाहरणों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं साथियों, चर्चा करने वाले हैं। तो बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।